नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हमारे जो वाईफाई राउटर होते हैं उनमें चलते चलते अक्सर कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि वाईफाई कनेक्ट ना होना, इंटरनेट की स्पीड का स्लो हो जाना या फिर चलते चलते अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाना। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेसिक रिपेयर टेस्ट जो कि वाईफाई राउटर की इन प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है पावर ऑफ राउटर एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने राउटर पे जाना होगा और जो पावर अडेप्टर से केबल आ रही होती है इसको आपको राउटर से निकाल देना है और एक मिनट का टाइम आपको लेना है और दोबारा से इसको फिर से लगाना है। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि ये राउटर हमारे जब पुराने हो जाते हैं तो चलते चलते इनमें क्या होता है, काफ़ी देर चलने के बाद ये हैंग हो जाते हैं। तो इसमें सिंपल सॉल्यूशन ये होता है कि हम इसकी पावर ऑफ करके और इसकी जो कंपोनेंट होती है उनकी जो भी ओवर करेंट होता है स्टेबल हो जाता है और ये हमारा काम करने लगता है। दोस्तों, दूसरा है चेक पावर एडेप्टर वोल्टेज। तो दोस्तों, ये जो हमारा पावर एडेप्टर है जिससे हमारे वाईफाई में सप्लाई आती है, इसकी हमें एक बार वोल्टेज चेक करनी होती है कि जो हमारे वाईफाई के लिए वोल्टेज जितनी मिलनी चाहिए क्या उतनी आ रही है नहीं आ रही है। यानी कि अगर 12 वोल्ट का हमारा जैसे कि वाईफाई राउटर है तो 12 वोल्ट ही इसके पिन से हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए और अगर इससे कम मिलती है तो हमें अपने वाईफाई राउटर के अडेप्टर को चेंज करने की ज़रूरत है। उसका दोस्तों तीसरा हमारा स्टेप आता है अपग्रेड फर्मवेयर। तो दोस्तों, अगर आपका पहले या दूसरे स्टेप में काम नहीं बनता है तो आप इसका फर्मवेयर को अपग्रेड करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए अपने वाईफाई राउटर का मॉडल नंबर चेक करना होगा क्या मॉडल नंबर है, और आपको जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे और इसके मॉडल नंबर को डाल करके इसका फर्मवेयर चेक करना होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो वाईफाई राउटर्स कंपनियाँ होती हैं वो इसके अपडेट्स जो होती हैं अपनी साइट पर डालती रहती हैं, आपको वहाँ से इसका अपडेट डाउनलोड कर लेना है फर्मवेयर का और इसके जो कंट्रोल पैनल है उसमें लॉगिन करके और जहाँ पे इसका अपग्रेडिंग का जहाँ ऑप्शन आता है वहाँ पे इसको आपको अपग्रेड कर देना है। तो मोस्टली प्रॉब्लम अपग्रेड करने से भी सॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कभी कभी कि अगर हमारी राउटर काफ़ी पुराने होते हैं और हमारी कोई डिवाइस जो है वो नई है तो दोनों में कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो जो हमारी वाईफाई राउटर कंपनीज होती हैं टाइम टू टाइम क्या करती हैं, इस कंपैटिबिलिटी के सॉल्यूशन के लिए अपडेट डालती रहती हैं जिसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर दोस्तों, अगर आपको अपग्रेड नहीं मिलता तो आते हैं हम अपने चौथे स्टेप की तरफ। हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है वाईफाई को रीसेट करने की। तो रीसेट करने के लिए हमें दोस्तों क्या करना है कि राउटर के पीछे बैक साइड में एक छोटा सा बटन दिया होता है, आपको इसको मिनिमम 5 से 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और उसके बाद ऑटो ये राउटर जो होता है रिस्टार्ट हो जाता है और इसकी जो पहले की आपकी जितनी भी सेटिंग होगी सारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, सिंपल नॉर्मल जैसे राउटर आपका नया आता है वैसे इसके सारे के सारे हो जाते हैं और आपको वैसे ही इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करके और दोबारा से इसकी जो भी आप इंटरनेट प्रोवाइडर उसकी डिटेल यहाँ डालनी है और अपने वाईफाई जो भी आपने सेट करना चाहते हैं वो सेट कर लीजिए और आप अपना राउटर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी इसलिए भी आती है क्योंकि चलते चलते इसमें क्या होता है, कुछ बग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, कुछ करप्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि काम करना बंद कर देता है या फिर इसके काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमें रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों जाते हैं हम अपने पाँचवें स्टेप पे, एक हमारा और स्टेप है। तो उस स्टेप में हमें क्या करना है, हमें अपने राउटर को सिंपली इसके पीछे 4 स्क्रू या 5 स्क्रू जितने भी होते हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। ये प्रॉब्लम जब आती है जब आपके राउटर बहुत ही ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो इसको ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी डस्ट वगैरह काफ़ी जमा हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि हीट अप होने लगता है और हीट होने की वजह से ये कभी ऑटो रिस्टार्ट तो कभी हैंग हो जाना या इस टाइप की प्रॉब्लम जो है देने लगता है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली एक ब्रश लेकर के इसको क्लीन कर लेना है और सॉल्यूशन एक आई पी सॉल्यूशन या आता है इस टाइप से
और इसको आप लगा करके साफ करके क्लीन करके उसके बाद दोबारा से इसको वापस से असेंबल करके फिर से आप चला करके देखें तो मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ से भी आपकी हो जाती है। दोस्तों अगर इस इन सब के बावजूद भी अगर आपके राउटर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो इसके राउटर्स का जो कार्ड है इसमें कोई फेटल प्रॉब्लम आ चुकी है, इसके लिए आपको अपना राउटर जो है चेंज ही करना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू।